नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है TV20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आगामी त्यौहार को देखते हुए थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई है। बता दें कि उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा तथा क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव द्वारा थाना परिसर में माह अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहारों दुर्गा पूजा, बरावफात, चेहल्लुम, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि को देखते हुए शांति कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें जगह जगह प्रतिमा स्थापना, पूजा, मेला, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, विसर्जन जैसी गतिविधियाँ संचालित होती है, जिसमें भारी जनसमूह एकत्रित होने की संभावना रहती है। COVID-19 के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो, आयोजकों को अपने समस्त स्टाफ के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मूर्तियों का स्थापना खुले मैदान या खाली स्थल पर ही की जाए तथा मूर्ति का आकार छोटा हो, मैदान की क्षमता से अधिक लोग ना इकट्ठा हो, चौराहों तथा सड़कों पर कोई मूर्ति नहीं रखी जाएगी, अन्यथा COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मूर्ति विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहन, ठेला आदि का ही प्रयोग किया जाए। विसर्जन में कम से कम व्यक्तियों की अनुमति होगी, पर कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बचेगा, ना ही तो कोई जुलूस निकलेगा। क्या कुछ और कहा महेंद्र शुक्ला क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर ने, आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में दशमी को मेला लगता है और अतरौलिया बुढ़नपुर सर्किल के अतरौलिया थाना क्षेत्र अतरौलिया बाजार में मेला पूर्णिमा को लगता है। और मेला को लेकर के चूंकि सर ऐसे कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, मूर्तियां कैसे स्थापित होंगी, शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं वो सबको सुना दी गई हैं और उनकी एक एक प्रतियां दी जा रही हैं कि जो निर्देश हैं उनका वो पूर्ण रूप से अनुपालन करें और उसी के अनुरूप अपना ये त्यौहार मनाएं। सर, चूँकि मेला संख्या के हिसाब से मूर्तियां तो कम रखी जा रही हैं, फिर भी विसर्जन को लेकर के प्रशासन और उसकी क्या तैयारी? प्रशासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि मूर्तियों के विसर्जन में कम से कम लोग रहें और DJ वगैरह का प्रयोग ना करें, जुलूस वगैरह ना निकालें, सामान्य रूप में जाके अपना तालाब में या बनाए हुए गड्ढों में उनका विसर्जन करें। सर, चूँकि अतरौलिया मूर्ति विसर्जन का पुराना इतिहास है, आए दिन हैदरपुर और अन्य जगहों से लेकर के मारपीटें की खबरें बराबर आती हैं, इस बार सर उसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था? सभी जो भी विसर्जन वाली बातें हैं, जहाँ मारपीट पूर्व में हुई हैं वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा, उसको हर दशा में रोका जाएगा, कहीं मारपीट ना हो, सब कुछ सकुशल अच्छे से संपन्न हो। इसके लिए आप लोगों से भी ये निवेदन करेंगे कि सब लोगों को आप बताएं, समझाएं, त्यौहार अच्छे से सकुशल संपन्न हो।